बस बेटा 2 मिनट, मैं गाड़ी ठीक कर लूं, फिर हम चलेंगे। ओके छोड़ मेरे बच्चे, नहीं उसे कुछ मत करना। तुम्हें पैसा चाहिए ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। 9920 क्या नंबर डायल कर अभी। 9920642048 फोन दे इधर। एक फोन कॉल के लिए इस हद तक जाना, एक मासूम बच्चे को मारने की धमकी देना, ये क्या पागलपन है? और शायद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये धमकी एक छोटी लड़की के मुंह से सुनने को मिली। किससे बात करने की कोशिश कर रही थी और ये कॉल इसके लिए इतना जरूरी क्यों था? देखने से लग रहा था कि कोई सड़क पे रहने वाली है, पर उसका स्वभाव कुछ अलग था। क्या थी इस लड़की की कहानी, ये जानने के लिए हमें जाना होगा ठीक 15 दिन पहले एक छोटे से गाँव। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। और हम सब मिलके जाएंगे तो वी आर गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, हम सब जा रहे हैं तो वी ऑल आर गोइंग। अब मैं बोर्ड पर जो लेसन लिख कर दे रही हूँ वो सब आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। ओके टीचर। हाँ, बड़ी फ्री की पढ़ाई हो रही है। तुझसे मतलब, परेशान मत करो। तू भी ना अपने भाई की तरह है, सब कुछ मुफ्त में चाहिए। ओ हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, जाके अपने भाई को बोल मेरे पैसे वापस करे। उधार चुकाए नहीं जाते तो लेते क्यों हो? अगर कहीं मुझे मिल गया ना, ऐसी हालत करूंगा कि दोबारा भीख मांगने के लायक नहीं रहेगा, समझी? तू मारेगा मेरे भाई को? तू? अरे क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग पागल है? अरे क्या कर रही है तू? भाई सॉरी, मैं पूरे पैसे लौटा दूंगा, बस एक हफ्ते का वक्त दे दे प्लीज। ठीक है, संभाल पहले अपनी बहन को, मैं बात करता हूँ इससे। अब चल महारानी, क्या जरूरत थी लड़ने की? तू जानती है उसका बाप कौन है? उसका बाप जो कोई भी हो भाई, पर अगर कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगी। अरे क्या गलत बोल रहा था, अब पैसे तो मैंने लिए हैं ना उससे। भाई तुम्हें बिजनेस ही शुरू करना है ना, तो माँ से पैसे क्यों नहीं मांगे थे? कितनी बार बोला माँ से, लेकिन माँ एक पैसा देने को तैयार नहीं। अब उधार ना मांगू तो क्या करो, तू ही बता। मैं अपने लिए 100 रुपए इकट्ठा कर रही थी भाई, तुम्हें जरूरत है ना तुम रख लो। क्या पूरे 80 रुपए? काम करते हैं, अब ये पूरे हो गए 100 रुपए। ले अभी काम कर, जो तुझे लेना है ना ले ले। अब जा और घर पे जल्दी आना। मैंने तेरी शादी के लिए रखे हैं, तेरे भाई की अय्याशी के लिए नहीं। माँ लेकिन भाई को बिजनेस शुरू करना है। जानती हूँ उसका बिजनेस, फालतू के काम करता रहता है वो। अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई शादी नहीं करनी। क्या बोल रही है, दिमाग खराब हो गया तेरा? चल सब्जी काट के दे जल्दी, काम धाम तो होता नहीं है, फालतू की बातें करवा लो। माँ मैं अभी आती। अरे सब्जी तो काट जाती पूरी। भाई तुम? हाँ मैं, और कौन? नहीं मुझे लगा कि वहाँ खिड़की पे कोई था। कौन था? चंदू है क्या? अरे कौन? अरे भाई छोड़ो ना, कोई नहीं है। आ गए नवाबजादे, हो गई अय्याशी है? कितनी बार बोला, कहाँ था अब तक? कोई काम काज नहीं कर सकता शुरू?
पापा आप ही ना, जब भी उसे डांटो तू बीच में आ जाती है। दोनों ने दिमाग खराब करके रखा मेरा। भाई इतनी रात हो गई है और आप अभी तक जाग रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। भाई माँ की बातों का बुरा नहीं मान। मैं माँ की बात का बुरा नहीं मान रहा, मुझे तो चंदू की बातों से डर लग रहा है। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जब से वो बात हुई है ना तब से डर सा लग रहा है। भाई उसने कुछ फिर से कहा क्या? नहीं कुछ नहीं कहा, उसी बात का तो डर है। रीत वो कुछ भी कर सकता है, तू संभल के रहना। भाई आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, और जहाँ तक चंदू की बात है वो तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। अब देखो बहुत रात हो गई, चल के सो जा। तू जा, मैं एक फोन करके आता हूँ, जा। जल्दी आना। हाँ सही है। आज हम गणित यानी मैथ्स के सम्स पढ़ेंगे, ठीक है? अब सब लिख लो, आज इतना ही, कल हम नया लेसन सीखेंगे। तेज, कहाँ था तू अब तक? अरे मैं आते ही मैं शुरू जा। रीत नहीं आई, सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। चंदू, ये सब चंदू ने किया होगा। क्या? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बेटा पता चला कुछ? अरे नहीं माँ, चंदू मुंह खोलने को तैयार ही नहीं, लगता है पुलिस स्टेशन जाना होगा। माँ आप रो मत, माँ रो मत ना, संभालो अपने आप को, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, मैं जाता हूँ। बस थोड़ी देर रुक, मैं सैंपल भेज रहा हूं, पर हाँ पैसा मुझे पूरा मिलना चाहिए। माल सही है, हो गई तसल्ली? देख ली अपनी आंखों से, मैंने सारा बंदोबस्त करके रखा है। रीत भाई, छोटी तू यहां क्या कर रही है? वहां चंदू ने तुझे उठाने का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। क्या? तू चल यहां से। रीत तुझे कुछ टाइम के लिए गांव से बाहर रहना पड़ेगा। रीत तू जानती नहीं है चंदू बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। पर भाई मेरी बात तो सुनो, मैं जाऊंगी कहां? अरे रीत मैंने सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है, चंडीगढ़ में मेरा दोस्त रहता है तपन, तू उसके घर पे जाके रहना, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा। जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा ना मैं खुद तुझे लेने आऊंगा, समझ रही है ना तू? हाँ रीत ठीक है, अभी चल चल जल्दी चल। देख मेरी बहन है। तू चिंता मत कर भाई, इसे मैं बहुत प्यार से ही रखूंगा। देख रीत यहाँ पे मैं संभालता हूँ, तू फिक्र मत कर, तू समझ रही है ना? हाँ अब जा। चल
अपनी बहन की हिफाजत करता है, उसे बाहरी दुनिया के खतरों से बचाता है, पर यहाँ एक भाई अपनी ही बहन को खतरे में डाल रहा है। वही बहन जो उसे अपनी दुनिया मानती है, जो उस पे आंख बंद करके भरोसा करती है, अगवा करने के लिए सबसे आसान शिकार होती है छोटी लड़की। और इनके गायब होने के पीछे कई बार इन्हीं के परिवार वालों का हाथ होता है, जो चंद पैसों के लिए अपनी बच्चियों को एक एक चीज की तरह बेच देते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों को। क्या रीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? कहां भेज दिया था तेज ने अपनी बहन को? क्या उसे अंदाजा भी था कि रीत के साथ क्या होने वाला है? संभाल तो कल आने वाला था ना? कल? अम्मा, मुझसे इस जगह का कोई आइडिया नहीं है। कब तक? बस ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। तू तो जानती है अम्मा, आजकल कितना तामझाम हो गया। नहीं देख अम्मा, मेहरबानी करके इस वाली को ना जान से मार देना। जल्दी आने की कोशिश करना, मैं बहुत दिनों तक नहीं संभाल पाऊंगी। तपन भैया कहाँ जा रहे? वो यहाँ नहीं रहते क्या? चलो चंपा, एक प्लेट खाना लगा। के पास होगा, उन्हीं से पूछ लेती। नहीं, जाके सो जाओ और इस बारे में अम्मा जी से कभी बात मत करना। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, कुछ तो बता। सबके सब चोर बैठे हैं वहां पर, बिना पैसे लिए कोई कंप्लेंट लिखने को तैयार ही नहीं। अम्मा जी,
मैं कोई मदद कर दूं? ले, पूरे घर का पोछा लगा और एक एक कोना चमकना चाहिए। मुंह क्या देख रही है, चल जा जल्दी। ये ले। बहुत हो गई सफाई, और भी काम बाकी है। चल। ओए, वहां क्या खड़ी है? चलिए बैठ। आज हम चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। चंपा, तुम इसे बताना अभी तक हमने क्या सीखा? वो आया? मैं बता दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। अरे कहाँ जा रही हो, खाना तो खा लो। जल्दी कर, और भी काम बाकी है। और कौन सा काम बाकी है अम्मा जी? अरे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, इतना टाइम नहीं है तेरे पास। चल ये सब साफ कर। क्या बकवास है ये, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मेरे भाई को फोन कर अभी। चुपचाप साफ कर, समझी? ये सब क्या हो रहा है? ये क्यों करी ऐसा हमारे साथ? मेरे भाई ने इतना भरोसा करके मुझे यहाँ पे छोड़ा, मैं क्या मेहमान हूँ और ये मेहमान के साथ ये ऐसा कर रही है? पागल हो गई है क्या? हम कोई मेहमान नहीं है, हम यहाँ नौकर हैं। तपन मुझे अनाथ आश्रम से लाया था, बोला कि मुझे नौकरी देगा। मुझे उसके बात में नहीं आना चाहिए था। और हाँ, तेरे भाई को उसी ने बेवकूफ बनाया। 3 हफ्तों से मैं यहीं पर हूँ, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। बस अम्मा जी जो बोले वो करते जाओ, वरना
खाना बनाना आता है तुझे? हाँ। दाल बना लेती है? चल बना। जा। अरे इसमें नहीं। ये ले, इसमें बना और जल्दी करना। कहां से लेकर आया इस लड़की को? एक काम ठीक से नहीं होता है। दाल बनाने को बोला था, एक घंटा हो गया है। क्या है? अम्मा जी, वो दाल बन गई है। चल आजा, ध्यान से पैर बचा के। चल फेंक। क्या इतनी दाल तू अकेले खाएगी? चल फेंक फेंक। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2012 में 15,000 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियां अगवा हुई और ये तादाद हर साल बढ़ती ही जा रही है। रीत भी इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जो बस अपने घर जाना चाहती थी, अपने परिवार के पास जाना चाहती थी, जिसे पूरा यकीन था कि अगर वो अपनी बात अपने भाई तक पहुंचा दे तो वो उसे यहाँ से बचा ले जाएगा। पर अफसोस रीत गलत थी। रीत की परेशानियां तो अभी बस शुरू हुई थी और उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी परेशानियों का जड़ उसका भाई तेज ही था। अगवा हुई लड़कियों के साथ घिनौने अत्याचार होते हैं, पर यहाँ किस तरह का जुल्म हो रहा था? रीत कौन थी ये अम्मा और इन लड़कियों से अजीब चीजें क्यों करवाई जा रही थी? क्या रीत यहाँ से कभी निकल पाएगी? क्या वो अपनी भाई की असलियत पता कर पाएगी? कितना हाथ जला लिया, कभी घर पे खाना नहीं बनाया क्या? पता नहीं ये लोग हमसे क्या क्या करवाएंगे। और ऊपर से मुझे अपने भाई से बात करनी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। रीत तू जानती नहीं है अम्मा जी को। तुम मेरी मदद करोगी? कैसे? अरे सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ, कहीं आ जा भी नहीं सकती लड़कियों की वजह से। कब आएगा? तोड़ दिया क्या? कितनी बार समझाया इस लड़की को लेकिन इसको समझ में नहीं आता है, हैं? कब सीखेगी ये? कैसे टूटा ये? कैसे टूटा? वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया? एक काम दूसरा दिमाग में गुप्त घुसती नहीं है? हेलो हेलो भाई। हेलो भाई, भाई मैं रीत बोल रही हूँ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। भाई भाई मुझे ऐसे ले चलो भाई, ये तपन और अम्मा ये सब मिले हुए हैं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो भाई, हमको आवाज आ रही है। थोड़ा ऊंचा। भाई मैं रीत बोल रही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है। भाई मैं रीत बोल रही हूँ। भाई भाई हमको मेरी आवाज आ रही है। तपन ये क्या हो रहा है? रीत के हाथ फोन कैसे लगा? क्या आज फोन लगा है? कल वो भाग गई तो? अच्छा हुआ यार उसने तुझे फोन किया, पुलिस को नहीं। तो टेंशन मत ले यार, उधर अम्मा बैठी है ना, सब संभाल लेगी। तपन जो भी है जल्दी कर। छोड़ मेरा हाथ। हाँ बड़ी जल्दी है तुझे यहाँ से भाग के जाने की, बड़ी जल्दी है ना। आ जा मैं बताती हूँ तुझे, आ जा। मेरे भाई को पता लगाना तो मार डालेगा तुम्हें। हाँ छोड़ो। हाँ आ जा। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ भाई को बताएगी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या
क्या हालत हो गई है बेचारी की। चल आ बाहर आ, चल निकल, रुक जा, उठ। मना किया था ना, मानती तो है नहीं। चल ठीक से बैठ। सुनो जा तुम लोग, चले गुड। ए! ए! चल मेरे भाई ने तुझे ढूंढ लिया ना तो मेरी छोड़, कुछ दिन बाद तक तेरा भाई भी तुझे नहीं ढूंढ पाएगा। बात करती है। तुझे क्या लगता है क्या करेंगे ये लोग अपने साथ? ये लोग हमें यहाँ से बहुत दूर भेजने वाले हैं। तुझे कैसे पता? मैंने उन दोनों को बात करते सुना था। तपन और कितने दिन झेलना है मुझे इन लड़कियों को? दो दिन और अम्मा, डॉग नंबर 5 में लोगों को लेके जाना है, बस फिर वहीं से पक्का हूँ ना। मैंने गांव के स्कूल से सीखा था डॉग, वो जगह जहाँ से जहाज निकलता है, पानी वाले जहाज। चंपा ये लोग हमको समुद्र की पार कहीं बहुत दूर भेजने वाले हैं। पर क्यों, कहाँ? वो सब तो मुझे भी नहीं पता और मुझे जाना भी नहीं है। देख रही तू कुछ ऐसा वैसा मत करना, इस बार अम्मा तुझे मार डालेंगी। तू जाके चुपचाप सो जा, कल देखते हैं। तेरी दोस्त कहाँ गई? बोल। अम्मा मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता? कहाँ गई? बोल जल्दी। सच में मुझे नहीं पता। बोल। वो कल रात में बोल रही थी कि वो भाग जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता ना। कहाँ था? बताना नहीं था? तपन वो लड़की भाग गई है। मैं के यहाँ बेवकूफ हूँ? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे, पता नहीं कहाँ से भागी है कमबख्त। अरे अम्मा उसे जल्दी ढूंढ, अगर वो लड़की पुलिस के पास गई ना तो देख लेना हम सब के सब जेल जाएंगे। ठीक है मैं देखती हूँ, तू भी देख। चंपा, चंपा मोटी गई क्या? रीत, चंपा, चंपा मोटी गई क्या? चंपा, तू यहाँ? मोटी गई? हाँ लेकिन 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 कुछ नहीं, अगर तुझे कहती तो तू अम्मा जी के सामने मुंह खोल देती ना। अब चल जल्दी चल।
बोलना। भैया रुको, भैया भैया बस एक फोन करना है। भैया प्लीज सिर्फ एक फोन, भैया सिर्फ एक फोन करना है। नहीं भैया, भैया रुको, भैया 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 आप ही फोन दो भैया, बस एक मिनट। बस बेटा दो मिनट, मैं गाड़ी ठीक कर लूं फिर हम चलेंगे। ओके पापा! ए छोड़ मेरे बच्चे, नहीं नहीं प्लीज उसे कुछ मत करना, तुम्हें पैसा चाहिए ना, मेरे पास है, लो सारे तुम्हारे। 9920642048 क्या डायल कर, फोन पे डायल कर अभी। 9920 जल्दी 046484 9920642048 फोन दे इधर। हेलो भैया, मैं रीत, भैया आपको मेरी आवाज आ रही है ना? रीत, रीतू कैसी है? भैया भैया वो तपन और वो अम्मा, उन्होंने मुझे रखरानी बना के रखा था भैया, उन्होंने आपको बुरी तरह फंसा लिया था भैया, आप जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कहाँ है तू? मैं, ये कौन सी जगह है? रेलवे कॉलोनी चंडीगढ़। भाई भाई ये कोई रेलवे कॉलोनी है चंडीगढ़? मेरी बात ध्यान से सुन, किसी से भी पूछ के तो शिवाजी पार्क पहुँच, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, तू वहीं रहना, जाना नहीं। हाँ ये शिवाजी पार्क का है, यहाँ पे यहाँ से आगे सिग्नल से राइट, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं चली जाऊंगी। रीत, 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 भैया, भैया, रीत, 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 तू ठीक है ना? भैया, रीत, रीत, भैया, वो घर में तपन, वो अम्मा, ये तपन मुझे नौकरानी के काम के लिए बाहर भेजने वाला था। क्या? तू चल। तपन ये क्या बोल रही है? नौकरानी बना के? अरे तूने तो कहा था पानी के जहाज में भेजेंगे, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। भाई मेरे, भाई मेरे, मैं इसे जहाज पे लेके जा रहा हूँ, और वहाँ काम तो जाकर बाई का ही करेगी ना, 100 से अधिक लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, इसे सबकी ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ अम्मा जी से, और इसे जहाज पे उल्टी ना हो इसकी भी ट्रेनिंग दे रही थी अम्मा जी। और तुझे पता है तुझे अंग्रेजी क्यों सिखाई जा रही? अगर तू अंग्रेजी सीख जाएगी तो हम दोनों को पैसे ज्यादा मिलेंगे। जैसे अब भाग नहीं ना पाए, टेंशन मत ले, बस एक बार ये जहाज पे चढ़ी ना तो सारी जिंदगी वहां से भाग नहीं पाएगी। ऐसा क्यों किया? तो क्या करता मैं तेरी वजह से, माई गहना देने को तैयार नहीं, बिजनेस कहां से शुरू करता मैं? पर हाँ लड़की है तू, एक ना एक दिन तो काम आने वाली थी ना। तपन ले जा इसको, और परसों तक पूरा पैसा चाहिए मुझे। चले। जाएगी बाहर, भागेगी। एक घूंट में खत्म होना चाहिए। चलो पियो। यो पूरा एक घूंट में खत्म खत्म कर खत्म कर।
खत्म हो गया, पीले पीले खत्म कर, बस 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 खत्म, बस हो गया। चलो अपने कमरे में जाओ। सब तैयारी हो गई है ना? हाँ, नींद की दवा पिला दी है, एक घंटे में दोनों सो जाएंगे, मुझे रास्ते कोई परेशानी नहीं होगी। अम्मा, हाँ। ये रहे तेरे पैसे और बहुत जल्द ही अगली डिलीवरी लेकर मिलता हूँ। ध्यान से जाना। हाँ अम्मा। रॉन्ग साइड से खुद आ रहा है, नाम मेरा ले रहा है, इधर आके खुद दारू पी रही है। मैं दारू नहीं पी रहा। अरे ऊपर से दारू पिए सर। हाँ सर, मेरी गलती नहीं है सर। सर सुन लो आप, तू ऐसे नहीं मान हीरो, तू ऐसे नहीं मान हीरो। ए क्या कर रहा है? माँ, पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, नीत का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है माँ, हो सकता है कि रीत आप कभी वापस नहीं आए। क्या कह रहा है बेटा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माँ, माँ कि आप भैया इसे क्यों नहीं पूछ लेती? कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे, और तुम तो मेरी भाभी। चल। तेज जैसे लोगों से डर लगता है जो अपने ही फायदे के लिए अपने ही परिवार को धोखा दे सकते। वो तपन या अम्मा से कोई कम गुनहगार नहीं है। वीर जैसी कई लड़कियां आज भी ऐसे लोगों के जाल में फंस जाती हैं। ये शातिर मुजरिम परिवारों की गरीबी का फायदा उठाते हैं, पैसों की लालच देकर इन लड़कियों को अलग अलग जगहों पर बेच देते हैं, और उन जगहों पर इन लड़कियों के साथ न जाने किस तरह का सलूक किया जाता है। लड़कियों के खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकना ही है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।